तो जो बच्चों के ब्लड कैंसर में हमारा जो इलाज है वो 4 से 6 महीने का इलाज होता है। तो हमें इस इलाज के दौरान जो मेन ज़रूरत होती है वो होता है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी ब्लड और प्लेटलेट की आवश्यकता होती है। साथ में हमारा जो कीमो है वो तो स्मूथली निकल जाता है। उसमें हम लोग बच्चों में यूजुअली पिक लाइंस यूज़ करते हैं, यानी कि जो हम हाथ में बच्चों को कैनुला और वीगो लगा के जो पेन होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग पिक लाइन का माध्यम लेते हैं, जिससे पेन कम रहता है और बच्चों को आराम से ट्रीटमेंट आगे कैरी कर सकते हैं। तो ये कुछ सहूलियतें होती हैं इस ट्रीटमेंट में, जिसमें हमारा मेन ब्लड प्रोडक्ट सपोर्ट और एंटीबायोटिक के साथ ये कीमोथेरेपी स्मूथली चलता रहता है। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात इस ट्रीटमेंट में जहाँ तक है वो है फैमिली मोटिवेशन। अगर फैमिली और पेरेंट्स मोटिवेटेड हैं इलाज के लिए तो ये ट्रीटमेंट बहुत आसान बन जाता है, और डॉक्टर के सपोर्ट से ये ट्रीटमेंट पूरी तरीके से क्योर की डायरेक्शन में चला जाता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों में कैंसर एक हाई सस्पिशन और संदेह है। कभी भी कोई सिम्टम जिसमें अत्यधिक बुखार आना या बॉडी पेन होना या बच्चा सुस्त होना, साथ में खून की कमी या प्लेटलेट की कमी होना, तो उसे अनदेखा ना करें। उसका जल्द से जल्द अपने पीडियाट्रिशियन से परामर्श लें, और अगर लग रहा है कोई भी लक्षण कैंसर के तो उसके में देरी ना करें।